काशीपुर में दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दिव्यांगजनों की मांग है कि पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। काशीपुर में उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष एम ए राहुल के नेतृत्व में दिव्यांगों ने उप जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें दिव्यांगों ने पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की। इस मौके पर उत्तराखंड मूक बधिर विकलांग कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष एम ए राहुल ने कहा कि दिव्यांगों को पेंशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग है कि पेंशन के लिए आय प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। वहीं समाज सेविका भावना ने कहा कि दिव्यांगजन पढ़ने लिखने के बाद भी दर बदर भटक रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है। उत्तराखंड राज्य के निर्माण हुए कई वर्ष बीत गए पर किसी ने भी दिव्यांगों पर ध्यान नहीं दिया। आज हालात ये है कि भरा हुआ पेट तो संसार जगमगाता है और खाली हुआ पेट तो ईमान जगमगाता है। अब आप देख सकते हो कि सड़कों पे भीख मांगते दिखाई देते हैं। मेरी सरकार से मांग है कि दिव्यांगों की पेंशन 3,000 रुपये करी जाए, साथ ही रोडवेज में जिस तरीके से दिव्यांगों के साथ बदतमीजी की जा रही है उसको बंद करा जाए। ट्रेनों के अंदर भी जो है उनको उतार दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएँ आए दिन होती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज जो है दिव्यांगों को मजबूर बनाकर उप जिलाधिकारी पर ऑफिस पर आकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन देना पड़ा है और अपनी मांगों को लेकर कि जल्दी से जल्द इनकी पेंशन खाते में आने चाहिए, कभी बैंकों के, कभी तहसील के, कभी ब्लॉक के, और साथ ही एडियो समाज कल्याण की नियुक्ति तहसील के अंदर होनी चाहिए जिससे ब्लॉक के चक्कर लगाने ना पड़े। इन दिव्यांगजनों की तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी दर बदर ठोकरें खा रहे हैं। इनकी नौकरी सरकारी नौकरी में भी इतना कम 5% का आरक्षण और इनको जो है ना कोई मतलब हर जगह जो है ना जिल्लत ही उठानी पड़ती है, कहीं इनका सरकारी नौकरी में नंबर नहीं आता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी इतने हैं, वहाँ तो इनको जगह दी जा सकती है। इनकी पढ़ाई लिखाई के योग्यता के ऊपर जितने भी इनकी योग्यता है उसके आधार पर जिस तरीके का इनको काम कर सकते हैं उस तरीके का काम इनको देना चाहिए। इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत परेशान है, इनका हर जगह शोषण हो रहा है। सर उत्तराखंड को बने हुए इतने दिन हो गए लेकिन इन दिव्यांगों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया, क्या इनकी कोई जरूरत नहीं? आप देख रहे हैं दखल न्यूज।